हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड बीएससी स्टूडेंट। अगर आप एमएससी भी कर रहे हैं तो भी मेरी वीडियोस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है लाइक सीएसआईआर, नेट, गेट, IIT-JAM, तो भी मेरी वीडियोस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूँ कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होता है। स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ग्रुप थ्योरी पे मैं काफी सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूं जहां पर मैंने बताया कि ग्रुप क्या होता है, देन ग्रुप के ऊपर कुछ थ्योरम प्रॉपर्टीज मैंने आपके सामने डिस्कस करी है, देन सब ग्रुप है, देन साइक्लिक ग्रुप है। स्टूडेंट, नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में मैंने बताया, कॉसेट्स के बारे में मैंने बताया, क्वेश्चन ग्रुप के बारे में मैंने बताया, और स्टूडेंट होमोमॉर्फिज्म क्या होता है इसके बारे में मैंने बताया। स्टूडेंट, यहाँ पे जो IIT-JAM आ रहा है यहाँ पे जाके मेरे एक बार वीडियोज देख लीजिए, देन आपको ये वाला वीडियो देखेंगे तो बहुत ही अच्छा समझ में आने वाला है, राइट। सो देखिए स्टूडेंट, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको डेफिनेशन के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा तो आपको समझ में आएगा। पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूं क्या होता है कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। स्टूडेंट, अगर हमारे पास यहाँ पे जी से जी डैश पे एक एफ है, हमारे पास मैपिंग डिफाइंड है और ये होमोमॉर्फिज्म है, दिस एफ इज होमोमॉर्फिज्म, राइट। मतलब जो हमारे पास होमोमॉर्फिज्म की जो प्रॉपर्टी होती है क्या होती है, अगर यहाँ पे हमारे पास जी प्लस है, ठीक है ना, मैं यहाँ पे ऑपरेशन ले लेता हूँ, है ना, तो अगर मैं चलो यहां लिख लेता हूं आपके पास कि एफ ए स्टार बी है तो हम जानते हैं ये क्या होगा, इधर एफ ए ओ एफ बी, ठीक है ना, मतलब यहां पे स्टार ऑपरेशन है और यहां पे क्या ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, राइट। तो हम जानते हैं यहां पे ये होमोमॉर्फिज्म डिफाइंड है, राइट। अब ध्यान दीजिए, अब होता क्या है, इस ग्रुप के वो सभी एलिमेंट का सेट जो जी डैश के आइडेंटिटी पे जाके मैप होता है उसको क्या बोलते हैं, कर्नल बोलते हैं। देखो ये तीन एलिमेंट है, मान लीजिए तीन एलिमेंट है ना, ये तीन एलिमेंट इधर आइडेंटिटी पे जाके क्या हो रहे हैं, मैप हो रहे हैं। इसका मतलब ये जो तीनों एलिमेंट का जो सेट होगा ये क्या होगा हमारे पास, कर्नल, इसको बोलते हैं कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, राइट, ठीक है ना। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया, अब डेफिनेशन समझाऊंगा इससे और क्लियर हो जाएगा, राइट। तो क्या होगा, एफ विद द होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप जी इंटू जी डैश, देन द सेट के ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ जी विच आर मैप टू द आइडेंटिटी ई डैश ऑफ जी डैश is called the kernel of homomorphism F. मतलब वो सब एलिमेंट का सेट जो जी के है वो जी डैश में जाके आइडेंटिटी पे मैप हो रहे हैं, वो सब एलिमेंट का सेट जो होता है वो क्या होता है, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म होता है, एंड इट इज डिनोटेड बाय कर्नल F, और इस टाइप से इसको हम डिनोट करते हैं। अगर इसको हम मैथमेटिकल डिफाइन करें तो इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, कर्नल F इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू एक्स सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू ई डैश, मतलब वो ग्रुप के सभी एलिमेंट का सेट जो उधर जाके आइडेंटिटी पे मैप हो रहा हो, वो सब एलिमेंट का सेट जो होता है वो क्या होता है हमारे पास, कर्नल ऑफ एफ होता है। स्टूडेंट, मैं आपके सामने एक दो एग्जांपल दूंगा उससे आपको और भी क्लियर होगा। एग्जांपल नंबर वन देखिए, द मैपिंग एफ जो हमारे पास यहाँ पे दो ग्रुप दे रखे हैं, एक हमारे पास दे रखा है सी जीरो, लाइक दैट इज अ कॉम्प्लेक्स नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये हमारे पास नॉन जीरो रियल नंबर, राइट। ये हमारे पास दोनों मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन दे रखे हैं और हमारे पास मैपिंग दे रखी है एफ, क्या दे रखी है, एफ जेड इज इक्वल टू मॉड जेड। स्टूडेंट, हम जानते हैं ये जो होता है ये होमोमॉर्फिज्म होता है कि नहीं होता, एक बार चेक कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो एलिमेंट लेंगे एफ जेड वन इंटू जेड, चूंकि दोनों तरफ ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन, स्टूडेंट जैसे हम जानते हैं एफ जेड है तो मॉड जेड जाएगा, तो अगर जेड वन जेड टू क्या आएगा यहाँ पे, मॉड जेड वन इंटू मॉड जेड टू। स्टूडेंट, हम जानते हैं ये किसके बराबर होगा, एफ जेड जेड वन इंटू जेड टू अलग अलग हो जाएगा, मॉड बराबर होता है। स्टूडेंट, जानते हैं इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, एफ जेड वन इंटू एफ जेड टू। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रही है, होमोमॉर्फिज्म की वैल्यू को क्या, मतलब जो हमारे पास होमोमॉर्फिज्म की जो डेफिनेशन होती है उसको यहाँ पे क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये हमारे पास यहाँ पे क्या होमोमॉर्फिज्म है। अब इसमें कर्नल एफ लेंगे, है ना, कर्नल एफ क्या होता है, हम जानते हैं कि यहाँ पे जो आर जीरो मल्टीप्लीकेशन इसके जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो क्या होता है, वन होता है। तो आपको वो सभी एलिमेंट का सेट लेना है जो उधर जाके क्या आ रहा है, वन पे मैप हो रहा है। इसका मतलब एफ जेड इज इक्वल टू मॉड जेड इज इक्वल टू क्या जाएगा यहाँ पे, वन, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, कर्नल ऑफ एफ वेयर जेड बिलोंग्स टू सी जीरो, देन एफ जेड इज इक्वल टू क्या जाएगा, वन। और स्टूडेंट, हम जानते हैं एफ जेड की वैल्यू किसके बराबर है, मॉड जेड। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास कर्नल की क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी, है ना। तो कर्नल ऑफ एफ इस यहाँ पे जो ग्रुप है सी लाइक नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर टू नॉन जीरो रियल नंबर पे हमारे पास जो कर्नल एफ होगा उसकी वैल्यू ये होगी। स्टूडेंट, एक और एग्जांपल देना चाहता हूं मैं आपके सामने, ये एक्स पावर फोर है, दिस इज एक्स पावर फोर, राइट, प्लीज इसको करेक्ट कर लीजिए, है ना। तो हमारे पास आर जीरो से रियल नंबर से रियल नंबर पे जा रहा है और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर फोर दे रखा है, वेर आर जीरो इज द होमोमॉर्फिज्म ऑफ आर जीरो, बिकॉज देखो आर जीरो का मतलब होता है नॉन जीरो रियल नंबर, राइट। फॉर एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू आर जीरो, हमने यहाँ पे एक्स वन एक्स टू लिया, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि होमोमॉर्फिज्म है या नहीं है। तो स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, एफ एक्स वन इंटू एफ एक्स टू लेंगे, है ना। इसमें क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, चूंकि हमारे पास ये x1 है, इसको आप इस तरह से लिखेंगे। तो ये देखो यहाँ पे होता क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर फोर है, तो हमारे पास x1 x2 दे क्या जाएगा,
x1 x2 पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। स्टूडेंट इसको अलग अलग लिख सकता हूँ, क्या लिख सकते हैं x1 पावर 4 इंटू x2 पावर 4। स्टूडेंट हम जानते हैं इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, fx1 के बराबर होगी, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, fx2 के बराबर होगी। तो ये हमारे पास होमोमॉर्फिज्म है डिफाइन हो रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब इसको अलग अलग कर दिया, इसका मतलब होगा। अब हम कर्नल एफ की डेफिनेशन लेंगे। कर्नल एफ की डेफिनेशन क्या होती है, एक्स बिलोंग्स टू रियल R0 सच दैट fx इज इक्वल क्या हो जाए 1 हो जाए। और हम जानते हैं fx इज इक्वल 1 कब होगा, जब एक्स पावर 4 इज इक्वल टू क्या हो जाए 1 हो जाए। तो इसमें एक्स पावर 4 इज इक्वल 1, इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो लिखेंगे एक्स पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें इसको लिखेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें दोनों को 0 पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें जानते हैं यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 और यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। पर स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे रियल ग्रुप जो ग्रुप चाहे वो नॉन जीरो रियल नंबर है, इसका मतलब ये दोनों तो हो नहीं सकता। इसका मतलब क्या होगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो ये हमारे पास क्या होगा कर्नल का वैल्यू होगा, है ना, कर्नल ऑफ एफ का वैल्यू होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम कर्नल ऑफ एफ निकालते हैं। स्टूडेंट एक और एग्जाम्पल देखिए आप क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि यहाँ पे रियल नंबर जो है प्लस में, ठीक है, प्लस में डिफाइन है, और उधर क्या हो रहा है, मतलब आपके पास यहाँ पे दो ग्रुप है, एक ये है एक ये है, ये हमारे पास R प्लस है, है ना, और ये हमारे पास क्या है सी मल्टीप्लीकेशन है, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का ग्रुप है, राइट। अब यहाँ पे हमें देख रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा एक्स, हमारे पास जो एफ एक्स है वो क्या है एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपको ई की पावर आयोटा एक्स दे रखा है। स्टूडेंट दो नंबर लेंगे x1 x2 लेंगे R का, है ना, तो हम क्या करते हैं, हम जानते हैं यहाँ पे क्या लेंगे एफ एक्स 1 प्लस x2 लेंगे, हम जानते हैं किसके बराबर होगा e की पावर आयोटा। स्टूडेंट अगर यहाँ पे x है तो x आ रहा, तो यहाँ पे x1 प्लस x2 तो क्या आएगा x1 प्लस x2 आ जाएगा, राइट। इसको हम क्या लिखेंगे e की पावर आयोटा x1 प्लस आयोटा x2। स्टूडेंट हम जानते हैं इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको हम यहाँ पे इस तरीके से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देन ये क्या होगा इज इक्वल टू ये आएगा e की पावर आयोटा x1 डॉट e की पावर आयोटा x2। स्टूडेंट हम लिख सकते हैं इसको fx1 इंटू fx2। तो आप देख रहे हो यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म हो रहा है ना, ठीक है, यहाँ पे प्लस ऑपरेशन था और यहाँ पे क्या आ गया मल्टीप्लिकेशन आ गया, ठीक है ना, इसका मतलब ये होमोमॉर्फिज्म है। अब आपको यहाँ पे कर्नल की डेफिनेशन निकालनी, कर्नल की डेफिनेशन क्या होती है, इस सेट के वो सभी नंबर जो इधर जाके किस पे जा रहे हैं आइडेंटिटी, और जाते हैं आइडेंटिटी क्या होता है इधर 1 होता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट क्या करते हैं एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 1, और स्टूडेंट एफ एक्स हमारे पास क्या है e की पावर आयोटा एक्स है, तो e की पावर आयोटा एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और हम जानते हैं क्या होता है कॉस एक्स प्लस आयोटा एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे वो सभी x की वैल्यू जिस पर इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही 1 के बराबर आ रही, तो हम जानते हैं स्टूडेंट वो सब वैल्यू क्या होगी, या तो x इज इक्वल टू 0 होगा cos 0 1 होता है, या cos 2 पाई 1 होता है, या cos 4 पाई 1 होता है प्लस माइनस 4 पाई, तो वो सभी वैल्यूज यहाँ पे क्या होगी, मतलब इसकी वैल्यू लिखते हैं हम 2m π वेयर m बिलोंग्स टू z, है ना। तो ये हमारे पास क्या होगा कर्नल ऑफ f की वैल्यू होगी। तो मुझे लगता है आपको स्टूडेंट कर्नल ऑफ f समझ में आ गया, क्योंकि जब आगे हम कुछ थ्योरम प्रूव करेंगे तो वहाँ पे कर्नल f का बहुत बड़ा यूज आने वाला है, ठीक है ना। तो एक और एग्जांपल ले लीजिए स्टूडेंट यहाँ पे, उसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, दोनों प्लस ऑपरेशन में हमारे पास ग्रुप दे रखा है ना, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स का प्लस ऑपरेशन में ग्रुप दे रखा है, और ये हमारे पास क्या दे रखा है रियल नंबर में प्लस ऑपरेशन पे ग्रुप दे रखा है, ठीक है ना। अब इसमें हमें ये चेक करना है कि ये होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं, और इसमें हमारे पास याद रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, है ना, हमारे पास एक्चुअली यहाँ पे एलिमेंट एक्स प्लस आयोटा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स जो एलिमेंट होते हैं वो एक्स प्लस आयोटा वाई टाइप के होते हैं, तो ये हमारे पास किस पे जा रहा है एक्स पे जा रहा है, मतलब रियल पे जा रहा है, ठीक है ना। तो हम ये चेक करना चाहते हैं ये होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं, तो इसमें दो एलिमेंट लेंगे, एक ये एलिमेंट लेंगे एक ये एलिमेंट लेंगे, है ना। तो हम इसको अलग अलग यहाँ पे क्या करेंगे x1 प्लस आयोटा y1 एंड x2 प्लस आयोटा y2 लेंगे, तो इसमें क्या होगा देखिए, यहाँ पे हम रियल नंबर को एक साथ ले लेंगे और इमेजनरी वाले को एक साथ ले लेंगे, ठीक है ना। अब हम जानते हैं स्टूडेंट ये हमेशा किस पे जाता है रियल पर जाता है, इसका मतलब ये किस पे जाएगा x1 प्लस x2 पे जाएगा, और स्टूडेंट x1 हम जानते हैं x की वैल्यू इसके बराबर होती है, x1 की वैल्यू इसके बराबर होगी और x2 की वैल्यू इसके बराबर होती है। स्टूडेंट यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म क्या हो रहा है वेल डिफाइन हो रहा है। अब हम क्या करेंगे कर्नल की डेफिनेशन, हम क्या करेंगे स्टूडेंट इसके एक एलिमेंट लेंगे x प्लस आयोटा y बिलोंग्स टू c सच दैट वो क्या जाए, हम जानते हैं प्लस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है जीरो होता है, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाए यहाँ पे जीरो हो जाए, और हम जानते हैं एफ एक्स प्लस आयोटा वाई की वैल्यू किसके बराबर x, इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या हो जाए जीरो, मतलब वो सब एलिमेंट जहां पर उसका रियल नंबर क्या है जीरो है वो सब क्या होगा, मतलब सेट ऑफ ऑल इमेजिनरी नंबर्स, है ना, वो हमारे पास क्या होगा कर्नल ऑफ एफ होगा। तो स्टूडेंट मैंने 3 से 4 एग्जांपल समझाया जहां पर कर्नल एफ के बारे में मैंने आपको बताया, और मुझे लगता है वो आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। और स्टूडेंट अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइए, मैं हमेशा आपको बोलता रहता हूं कमेंट करते रहिए लाइक करते, देखो ये सब चीज़ें हमारे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हमें ये लगता है कि हाँ हमारा कंटेंट जो दिया हुआ है वो आपको बहुत ही अच्छा समझ में आ रहा है, और स्टूडेंट रियली आपके जो कमेंट्स हैं वो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं और आगे मैं इस तरह से आपके लिए काम करता रहता हूं। और स्टूडेंट यहां पे जो मैंने वीडियोस अपलोड कर रखे हैं वो सब यहां पे लास्ट में जाके देख सकते हैं, ग्रुप थ्योरी और यहां पे मेरे
प्लेलिस्ट है जो मैंने आपके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और बीएससी के प्लेलिस्ट को यहाँ पे बता रखा है। और स्टूडेंट यहाँ पे मेरे दो चैनल है, ऊपर वाला मेरा नया चैनल जहाँ पर मैंने अभी वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट किए, और सुनिए मेरा पुराना वाला चैनल जहाँ पर आप देख रहे हैं। सो अगर आपने नया चैनल विजिट नहीं किया तो एक बार वो भी विजिट करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए मेरे साथ। बहुत ही अच्छी मैं क्लासेज आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ, मैं नए वाले चैनल पर भी लाइव क्लासेज लेना स्टार्ट करूँगा बहुत ही जल्दी। और थैंक यू सो मच, बाय। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए सो देट कि आने वाले जितने भी क्लासेस उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद, बाय बाय, थैंक यू।